ऊटी के होटलों में भूतिया कमरों में कई भूतिया मामले हैं। ये इतनी सुंदर जगह है पर इस तरह का अभिशाप भी है वहाँ पर। कई बड़ी फिल्मी हस्तियों का भूतों से सामना हो चुका है और इस जगह का सबसे बुरा वहाँ के स्थानीय लोगों का रवैया है, क्योंकि कर्मचारी आपको कभी भी सच नहीं बताएंगे और किसी भूतिया मुठभेड़ जैसी मुसीबत में फंसने के लिए छोड़ देंगे। आइए उस स्थान पर हुई एक भयानक मुठभेड़ की जाँच करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हां, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये ऊटी का किस्सा है। दिल्ली में ना दो भाई रहते हैं। बड़े भाई का नाम अजीज है और छोटे भाई का नाम यूनस है। ये जो दोनों भाई हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर हैं। इनको 24 घंटे ना लोगों के साथ मस्ती करना बहुत पसंद है, लेकिन इनकी जो मस्ती है ना लोगों के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर है, क्योंकि ये बहुत गंदी मस्ती करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, किसी के भी मुँह पर पानी फेंक देंगे, जलता हुआ पटाखा किसी के भी ऊपर फेंक देंगे, बाइक पर जा रहे होंगे ना तो किसी के भी सर पर या पीठ पर ना धप दे टपली मार देते हैं। ऐसी गंदी ये मस्ती करते हैं। कई बार तो क्या करते हैं, रात के टाइम पर ना लोगों के घरों में जाएंगे और वहां पर कुछ नींबू मिर्ची हल्दी वगैरह डाल देंगे, और जब लोग घबरा जाएंगे डर जाएंगे ना, तो ये क्या करते हैं, पेट पकड़ पकड़ के ना जोर जोर से हंसते हैं। लोगों का खूब मजा लेते हैं ये। लोगों को डराना ना इनको बहुत ज्यादा पसंद है। एक तरह का समझ लो कि इनका पेशा ही ये है कि बस लोगों को टॉर्चर करो और खूब सारे मजे लो। एक बार ना दोनों भाई क्या करते हैं, ऊटी के एक होटल में जाते हैं। दोपहर के वक्त ये उस होटल में जाते हैं, अपना पूरा सामान रखते हैं और ऊटी घूमना स्टार्ट कर देते हैं। ऊटी घूमते घूमते ये बाहर से क्या करते हैं, दारू वगैरह पी कर आते हैं, खाना खा कर आते हैं और सिर्फ सोने के लिए ये होटल में आते हैं। अब ये ना सो ही रहे होते हैं तो आधी रात का वक्त होता है, तो अजीज को ना ऐसा महसूस होता है कि जैसे ना कोई उसकी छाती पर बैठा है। उसको बहुत ज़्यादा वजन महसूस होता है। जब वो अपनी आँख खोल के देखता है ना, तो वो अपनी आँखों के सामने अपने ऊपर एक छाती पर, उसकी छाती पर ना एक औरत बैठी थी। वो देखता है कि एक औरत मेरी छाती पर बैठी है, जिसकी वजह से ना उसको सांस नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो उसका शरीर है ना वो भी काम नहीं कर रहा है। जैसे किसी को अटैक नहीं आ जाता, पैरालिटिक अटैक आ जाता है। उसके हाथ पैर ऐसे एकदम सुन्न पड़ गए हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं। वो अपनी गर्दन ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, अपने छोटे भाई को आवाज़ देने की कोशिश कर रहा है, उसके मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रही, उसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। वो बहुत हिम्मत करता है, हिम्मत जुटाता है और फाइनली वो क्या करता है, ऐसे पूरा ना एक साइड पर जंप मारता है। जैसे उसने जंप मारा ना, तो वो तो गिरा ही गिरा, साथ में उसकी छाती पर जो औरत गिरी थी ना, वो भी जमीन पर धार देने गिरती है और उसकी आंखों के सामने वो जो औरत थी ना जमीन के अंदर समा गई। वो ना क्या करता है, अपने भाई को फटाफट उठा रहा है कि भाई उठ यूनस, उठ यूनस, उठ। लेकिन अब इन लोगों ने इतनी पी हुई थी और ऊपर से ट्रैवलिंग की जो थकावट थी ना, जो यूनस है वो उठ ही नहीं पा रहा है। वो बस नींद में बोल रहा है, ऐसा करके ना वो आराम से अपना सो जाता है। अब अजीज को नींद नहीं आती। लगभग सुबह के जब 4 बजते हैं ना, तब ये जाके सोता है। अब सुबह होती है, दोनों भाई उठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। अब ऊटी घूमने का आपको पता है कि इतनी अच्छी जगह है, तो ये लोग फटाफट प्लान बनाते हैं कि चलो आज फिर से घूमते हैं। ये लोग ना पूरा दिन घूम के आते हैं। जो अजीज होता है ना, अपने छोटे भाई को ये पूरी बात बताना भूल जाता है कि रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। ये क्या करते, पूरा दिन फिर से खूब सारा घूमते हैं। रात के वक्त बाहर से खा पी के अपना होटल में आ जाते हैं। दूसरे दिन भी अजीज के साथ सेम ऐसा ही होता है। एक जो औरत है वो देखता है कि फिर से वो औरत मेरी छाती पर बैठी है। उसके खुले बाल हैं, भयानक सी मोटी मोटी सी आंखें हैं, उसने काले कपड़े पहने हुए हैं और उसकी छाती पर बैठी है। फिर से इसको सांस नहीं मिल रही है, वो धार देने जमीन पर गिरता है। वही जैसे कल हुआ था, आज भी इसके साथ सेम वही होता है। ये अपने छोटे भाई को उठा रहा है, भाई फिर से नहीं उठ रहा है। ये बहुत टेंशन में आ जाता है, अपना सर पकड़ लेता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब दूसरी रात भी ऐसी ही निकल जाती है, सुबह ही बेचारा सोता है। अब ना तीसरा दिन आता है, सुबह सुबह ही ऊटी में ना इतनी ठंडी पड़ रही है, इतना तूफान आया हुआ है, इतनी घमासान बारिश हो रही है ना कि ये लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। पूरा दिन ये होटल के कमरे में बैठे हुए हैं। अब शाम का वक्त होता है, तो ये लोग सोचते हैं कि ऐसा करते हैं, आज दारू का बंदोबस्त ना होटल में कर लेते हैं, यहीं पर
मटन चिकन मंगाते हैं, दारू पीते हैं और खा पी के अपना सो जाते हैं। रात का वक्त होता है, अब दोनों भाई क्या है दारू पी रहे हैं। दारू पीते पीते ना जो यूनुस है ना अपने भाई को बोलता है कि भाई कल ना मैंने ना अजीब सा एक सपना देखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सपना था कि हकीकत थी। तो जिस बोलता है क्यों क्या हुआ, बोले मैंने देखा कि एक औरत ना जिसके खुले बाल है, बहुत ही डरावनी आंखें हैं, उसने काले कपड़े पहने हुए हैं, वो ना तेरी छाती पर बैठी है। मैंने मुझे समझ में नहीं आया ये क्या था। तो अजीज बोलता है यार मैं दो दिन से इस चीज़ को झेल रहा हूँ, मैं तुझे उठाता भी हूँ लेकिन तू उठता ही नहीं है, गधे घोड़े बेच के सब ऐसे सो जाता है। तुझे पता है मैं कितनी प्रॉब्लम में था, मैं तुझे बोलने भी वाला था लेकिन बस बातों बातों में रह गया है, तूने कुछ सपना नहीं देखा है, वो जो चीज़ है ना हकीकत में इस रूम में है, वो सच्ची बात है। इतने में ना इनके ड्रेसिंग टेबल का जो कांच होता है ना धार देने टूटता है, ये दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इतने में ना इनके जो दरवाजे का लॉक है ना, वो जो दरवाजा है वो हैंडल वाला दरवाजा है, ऐसा लगता है कि किसी ने जैसे उसको बंद कर दिया है और लॉक कर दिया। टक 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 की आवाज आ रही है, जो हैंडल है ना खुद ही हिल रहा है। जूनस फटाफट दरवाजे के पास जाता है और उसका हैंडल चेक कर रहा है, दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा है क्योंकि दरवाजा किसी ने बाहर से लॉक कर दिया है। वो हैंडल को बहुत घुमाता है कि खुल जाए लेकिन हैंडल खुल ही नहीं रहा है। ये लोग फटाफट दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे दरवाजा भी नहीं टूट रहा है। अब ना बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है, पानी जैसे गिरा ना तो एक औरत जो है ना जोर जोर से हंस रही है। इनको बाथरूम से कोई दिखाई नहीं दिया क्योंकि बाथरूम का दरवाजा बंद है लेकिन हंसने की आवाज आई कि एक औरत जोर जोर से हंस रही है और वो तालियां मार मार के हंस रही है। ये तालियों की आवाज सुनकर ना ये बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये लोग दूसरों का मजा लेते हैं ना, वो भूतनी भी इन लोगों का मजा ले रही है। अब ना ये लोग बचाओ बचाओ की आवाजें लगा रहे हैं लेकिन इन लोगों को कोई बचाने नहीं आ रहा है। इतने में ना पंखे की आवाज आती है, कड़ाच कड़ाच कड़ाच, क्योंकि जो नॉर्मल पंखा होता है वो ऐसे आवाज नहीं करता, कड़च कड़च करके आवाज नहीं करता है। अब ना ये कड़च कड़च की आवाज सुनते हैं और अपनी मुंडी ऊपर करके देखते हैं तो ये लोग देखते हैं कि वो जो भूतनी है ना पंखे के ऊपर बैठी है। ये देखकर ये पूरा पसीने पसीने हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, इनके हाथ पैर एकदम थम जाते हैं कि करे तो क्या करे। अब ना अजीज को दिमाग में आता है कि ये ना खिड़की खुली है रूम की, ऐसा करते हैं यहाँ से जंप मारते हैं और सीधा नीचे कूद जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं फटाफट ना फर्स्ट फ्लोर से कूदते हैं, खिड़की के द्वारा ना ये लोग फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूदते हैं। नीचे कूदने के बाद फटाफट ये लोग भागकर रिसेप्शन में जाते हैं और पूरा किस्सा बताते हैं। तो जो कर्मचारी होते हैं ना बोलते हैं नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपको कुछ ऐसा लगा होगा, हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो दोनों भाई बोलते हैं कि हम दोनों अंधे नहीं हैं, एक का एक्सपीरियंस नहीं है, दोनों ने अपनी आंखों से उस भूतनी को देखा है, हम लोग आपके होटल में नहीं रहने वाले हैं, हम लोग अभी का अभी चेकअप करते हैं यहाँ से, हम लोग उस भूतनी के हाथों से नहीं मरना चाहते हैं, हमारा पैसा हमको वापस दो, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, हम लोग दूसरे होटल में जाएंगे। अब वहाँ से ये लोग निकलते हैं और दूसरे होटल में जाते हैं। उस दिन के बाद इन लोगों को भी समझ में आ जाता है कि हम लोगों को ना ऐसे दूसरों के साथ मस्ती नहीं करनी चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये लोग दूसरों के साथ जो भी प्रैंक करते थे ना फाइनली इन लोगों ने सारे प्रैंक करने बंद कर दिए। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये जो कर्मचारी होते हैं ना होटल के लोग जितने भी रहते हैं, देखो ये तो वहाँ पर जितने भी भूत प्रेत हैं आपको पता है कि ऊटी में होटलों में ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं भूतों प्रेतों के। ये लोग वहाँ पर पूजा पाठ करवाने वाले नहीं हैं, इन लोगों को अपना धंधा चलाना है, रोटियाँ सेकनी है, तो ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो हमको सावधानी बरतनी चाहिए, हमको ही पूजा पाठ करके अपना ऐसी जगह पर जाना चाहिए। अब ऊटी इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग उसकी खूबसूरती को देखने के लिए वहाँ पर जाएंगे ही जाएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके ना लोगों से पूछताछ करनी चाहिए कि भाई ये होटल कैसा है, ये जगह कैसी है, तो उस जगह पर जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।